जल अमृत है ही अभी। इस विषय पर गुरुग्राम के डॉक्टर परमेश्वर अरोड़ा ने शोध की तो कई रोचक तथ्य उभर कर सामने आए। पानी ज्यादा पीने से न केवल स्वास्थ्य पर असर पड़ता है बल्कि बीमारियों को भी जन्म देता है। डॉक्टर परमेश्वर अरोड़ा की माने तो अभी तक यही सुना था कि स्वस्थ रहना है तो खूब पानी पिए, लेकिन जब शोध की तो पता चला कि पानी अधिक पीने से कई बीमारियां हो सकती हैं। कम पानी पीने से न केवल ब्लड प्रेशर जैसी घातक बीमारियों से बचा जा सकता है बल्कि शुगर व कब्ज जैसी बीमारियों से भी निजात मिल सकती है। पानी कब और कितनी मात्रा में पिया जाए इसके बारे में लोगों को जानकारी नहीं है। जरूरत से ज्यादा पानी पीने से किडनी सही तरीके से काम नहीं करती जिसके कारण अनेक बीमारियां होने की संभावना रहती है। देखिए आयुर्वेद पहले तो बोलना चाहूँगा कि जल को अमृत ही कहता है, लेकिन उस कंडीशन में जब इसको जो है सही मात्रा में लिया जाए, सही विधि से लिया जाए, सही समय पे लिया जाए और उसकी शरीर की अवस्था के अनुसार लिया जाए तो निश्चित ही अमृत है। लेकिन अगर इससे अधिक आप ऊपर जाकर के अधिक मात्रा में सेवन करते हैं, गलत समय पे सेवन करते हैं, तो मुझे लगता है कि यह शरीर में नुकसान पहुंचा सकता है और विषाक्तता पहुंचा सकता है। कि आज अगर हम आज के समाज की बात करें तो मुझे लगता है कि हम धनी बहुत अधिक हैं, टेक्नोलॉजिकली हम बहुत स्ट्रॉन्ग हैं, हमारे पास डॉक्टर्स हैं, हमारे पास हॉस्पिटल्स हैं, इन सबसे बढ़ के हम सब हेल्थ को अवेयर भी हैं, हम एजुकेटेड हैं, हम हेल्थ को लेके काफ़ी अवेयर हैं। लेकिन उसके बावजूद अगर आप देखेंगे तो हमारा स्वास्थ्य का स्तर जो है क्वालिटी ऑफ हेल्थ लगातार डाउन होती चली जा रही है। तो कहीं ना कहीं विचार करने पर मुझे लगा कि हमारा जो गलत खान पान है और हमारी जो गलत जीवन शैली है वो इसके लिए जिम्मेदार है। तो खान पान में सबसे अधिक हम कौन सी चीज़ खाते हैं या कौन सी चीज़ पीते हैं, तो मुझे लगा कि पानी। तो इसलिए मैंने पानी पे स्टडी शुरू किया, क्योंकि विश्व में कोई ऐसा व्यक्ति नहीं होगा जो बोले कि मैं पानी नहीं पीता हूँ या मैं रोज़ पानी नहीं पीता हूँ। मेरे ख्याल से सबसे अधिक जो अगर मुंह लगता है तो पानी ही लगता है। तो सबसे पहले मैंने पानी पे काम शुरू किया और आज के समय पे अगर हम प्रचलन की बात करें तो पूरे समाज में क्या पूरे विश्व में हम देखते हैं कि अधिक से अधिक पानी पीने का प्रचलन है। और जब मैंने अपने शास्त्रों को देखा, अपने वेदों को देखा, तो मेरी खुद की आंखें खुल गई। वहां तो लिखा था कि अगर आप स्वस्थ रहते हुए दीर्घायु की कामना करते हैं तो आप कम से कम मात्रा में पानी का सेवन करें। तो मुझे बड़ा ही इंटरेस्टिंग लगा और बहुत ही रोचक लगा, तो मैंने इस पर काम शुरू किया और आज मुझे बड़ी खुशी है कि मुझे समर्थन मिल रहा है और मेरे हजारों पेशेंट्स जो है अपने को बता रहे हैं कि काफ़ी लाभान्वित महसूस कर रहे हैं जब वो पानी को कम से कम मात्रा में सेवन कर रहे हैं। तो पानी को कब लेना चाहिए, कितनी मात्रा में लेना चाहिए, किस कॉम्बिनेशन में लेना चाहिए, पानी को उबाल के क्यों पीना चाहिए, तो पानी के बारे में बहुत सारी बातें जो है मैंने इकट्ठी की शास्त्रों से, वेदों से, और उसके अनुसार जो है एक पुस्तक जिसका नाम है जल अमृत या विष, उसको मैंने लिखा और आप समाज के लिए जो है मैं उसको आज रिलीज करूंगा। देखिए बड़ा ही अचंभित कर देने वाला मतलब एक तथ्य है जो शास्त्र से निकल के आ रहा है कि आज मुझे लगता है कि अगर हम पूरे विश्व की बात करें तो इंडिया को कैपिटल ऑफ डायबिटीज बोला जा रहा है कि कहीं ना कहीं जो है यहाँ पे डायबिटिक जो पेशेंट्स हैं उनकी संख्या लगातार बढ़ती चली जा रही है। और अपनी स्टडी के टाइम पे जब मैंने रिसर्च किया तो मुझे लगा कि भारतवर्ष के लोग ही जो है आज पानी सबसे अधिक पीते हैं। और जब फिर हम डायबिटीज़ की जब उत्पत्ति की बात करते हैं, मधुमेह की उत्पत्ति की बात करते हैं, फिर से शास्त्रों की तरफ जाते हैं तो शास्त्रों में भी जो है जल को कारण बताया गया है। तो कहीं ना कहीं एक बात कहने में मुझे इस समय कोई हिचकिचाहट नहीं है कि यस, अगर आप बहुत अधिक मात्रा में जल का सेवन करते हैं तो आप डायबिटिक पेशेंट बन सकते हैं।